बॉलीवुड में किसकी बढ़ी शान और किसकी बातों का किसने नहीं रखा मान, सब पता चलेगा सिर्फ यहाँ विद मी रंगीली रुचि, ओनली ऑन बॉलीवुड कैफे। दीपिकाज ट्रिपल एक्स मूवी विल फर्स्ट रिलीज इन इंडिया। एक्शन पैक्ड ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जैंडर केज फिल्म, जिसमें दीपिका पादुकोण लीड रोल में दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को दीपिका पादुकोण पूरी दुनिया से पहले इंडिया में रिलीज कराने वाली है। इस बात को खुद दीपिका ने मीडिया के साथ शेयर किया है। इस फिल्म में दीपिका के ऑपोजिट हॉलीवुड एक्टर विन डीजल दिखने वाले हैं। वाह दीपिका, साबित कर दिया आपने कि आप अब भी अपनी रूट से कितना जुड़ी हुई हैं। अब पूरा हॉलीवुड जल्द ही इंडिया का रुख करता दिखने वाला है। क्या काजोल बनेंगी विलन? ना, काजोल बॉलीवुड नहीं बल्कि तमिल सिनेमा में लगभग 20 साल के बाद वापसी करने जा रही हैं। इस बात को खुद काजोल ने कंफर्म किया है कि वो तमिल सिनेमा में धमाकेदार वापसी करने जा रही हैं VIP 2 फिल्म के साथ। द फिल्म स्टार्स धनुष इन द लीड रोल, हु वाज आल्सो सीन इन द प्रीक्वल ऑफ द फिल्म। और तो और, काजोल इस फिल्म में नेगेटिव रोल करती दिखाई देंगी। VIP 2 विल बी रिलीज्ड इन तमिल एंड तेलुगु सिनेमा। क्या बात है काजोल, दूसरे एक्टर्स के बाद आपने भी 2017 में रीजनल सिनेमा में जाने की ठान ली है, लेकिन बॉलीवुड को भूलना मत। क्या है स्वरा भास्कर का न्यू ईयर रेजोल्यूशन? इस साल यानी 2017 में स्वरा भास्कर एक्टिंग से ज्यादा प्रोडक्शन और स्क्रिप्टिंग पर फोकस करने वाली है। अपने प्लान को रिवील करते हुए स्वरा ने कहा, आई डोंट हैव एनी प्लान्स टू डायरेक्ट बट आई हैव रिटन अ स्क्रिप्ट। आई फेस्ड अ लीन पीरियड आफ्टर तनु वेड्स मनु। I thought I have been appreciated and I will get work, but that didn't happen. So I started writing scripts and it is near to completion. आपको बता दें कि स्वरा लव ट्रायंगल टाइप की फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रही हैं। इसके अलावा एक कॉमेडी स्क्रिप्ट भी प्रोसेस में है। स्वरा, कहीं आपने ये क्वालिटी अपने बॉयफ्रेंड से तो नहीं अडॉप्ट की ना? तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।